सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को भारी बरसात के बीच में सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने दिन भर विभिन्न पंचायतों का दौरा कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों से क्षेत्र में हो रहे नुकसान का प्रांकलन तैयार कर व्यवस्थाएं बनाने के दिशा निर्देश भी दिए गए। विधायक राजेंद्र राणा को बारिश के बीच जहां जहां से नुकसान का ब्यौरा मिला वे वहां पहुंचकर स्थिति का न केवल जायजा लिया बल्कि बिना पूर्व सूचना के गांव में पहुंचकर दुख दर्द बांटने का काम भी किया तथा उनके साथ स्पॉट पर जाकर बरसात के दौरान हो रहे नुकसान की जानकारी भी प्राप्त की। इस दौरान विधायक राजेंद्र राणा ने सुजानपुर के दुर्गम क्षेत्र गाँव पंचायत चिल्हो के नागलंबर गांव में पहुंचे जहां हाल ही में बनी सड़क भारी बारिश के चलते बीचों बीच से बह गई है तथा पंचायत प्रधान राजेश कुमार व अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने उन्हें बताया कि अब पैदल चलने लायक जगह भी नहीं बची है। सड़क का निरीक्षण के बाद उन्होंने मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन के तहत एक माह के भीतर पुली का निर्माण कर सड़क को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाए। आपको बता दें कि नाबार्ड के तहत इस सड़क का निर्माण विधायक राजेंद्र राणा के प्रयासों से हुआ था तथा हाल ही में इसे जनता को भी समर्पित कर नागलंबर को काले पानी के नाम से छुटकारा दिलाया गया था। इस दौरान विभिन्न पंचायतों के दौरे के दौरान क्षतिग्रस्त रास्तों मकानों व डंगे आदि का जायजा लेने के साथ साथ उपस्थित लोगों से विधायक राजेंद्र राणा अन्य समस्याओं से भी अवगत हुए जिसमें लोगों का मुख्य समस्या बिजली के कट रहे। विधायक राजेंद्र राणा ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बिजली की समस्या पहले भी उनकी प्राथमिकताओं में रही है तथा अब इस पर जनहित में कड़ा संज्ञान लिया जाएगा और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान भी किया जाएगा।